ये देखिए विजय भैया है और चांदनी भी है। ये देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे सारे काम आज सुबह के जल्दी जल्दी हमने आज 4 बजे ही उठ के कर लिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए हम और आरोही खा रहे हैं इडली और बादाम का चटनी। उसके बाद हम लोग फिर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आरोही तैयार हो रही है अभी। ये देखिए पहले टी शर्ट पहनना है, उसके ऊपर में कोट लग पहनना है। तो यहाँ देखिए आरोही जींस पहन ली है, हम भी साड़ी पहन लिए, बस अभी रेडी होना बाकी है। नाश्ता वगैरह हम लोग कर लिए हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजते होंगे। और इतना सुबह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिलने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या बोले, बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। अब देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो आगे का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आज मॉर्निंग का क्लिप में है और मॉर्निंग में ही आज काम कुछ अलग चल रहा है और ये भी काम मॉर्निंग के लिए स्पेशल चल रहा है इनके लिए। आरोही पटेल के लिए एग बन रहा है, एग वो अंडा होता है। आरोही पटेल तो कौन खाएगा अंडा को? मम्मी देखो कैसा बना, देखो अच्छा, तो अच्छा बना हुआ है। देखिए फ्रेंड इनके लिए अच्छा बना हुआ है अंडा। इसमें कमेंट करके बता दीजिए कारवाई के लिए अंडा अच्छा बना है कि नहीं बना है। देखिए इधर बनाने के लिए इतने सारे अंडों का बॉइलिंग। देखिए बैठ कर चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो ठंडा में पंखा ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स खाने भी देख सकते हैं, देखिए चार्जर गिरा रहे हैं हर बड़ी में। और अभी देखिए फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं, आरवी भी रेडी हो चुकी है, वो निकल गई है। बाहर में सुमन दीदी से बात करी है, बोलते रहिए हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। चार्जर ले लीजिए। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अब कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हस्बैंड जी अभी गए हुए हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा गाड़ी का भीड़ है। अभी हम उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे। देखिए काफी अच्छा है, चारों तरफ हरा भरा झारखंड देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हल्का हल्का धूप भी है, लगेगा पेड़ की वजह से छांव लग रहा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और देखिए पानी वगैरह पी लेते हैं थोड़ा सा, काफी दूरी पे है तो आते आते हम लोग का हालत खराब हो गया है, तो अभी थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। लो पियो। और यहाँ देखिए आ रही चॉकलेट भी खा रही है। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग को आने का था। तो हस्बैंड जी अभी देखे वहाँ पे पूछ रहे हैं उन लोगों को कि विजय भैया है कि नहीं। तो हम लोग विजय भैया के यहाँ आए हुए हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत खुशी हुआ कि उनका घर हम लोग आ गए हैं। तो अभी देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं, घर में वो भैया नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली देखिए हम लोग विजय रिया जी के घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए विजय भैया है और चांदनी भी है। ये देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इनका चैनल में। आपका चैनल का नाम क्या है? आरोही पटेल रियल ब्लॉग वीडियो। आरोही पटेल ब्लॉग वीडियो, ब्लॉग वीडियो। तो अभी भैया भाभी लोग आए हमसे मिलने के लिए और आप लोग का भी घर मतलब हमारे इधर पड़ता है। हाँ, यहाँ से ज्यादा मतलब कि दूर नहीं है, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर होंगे। तो बहुत मतलब पूछते पूछते आ ही गए, मतलब एक्चुअल सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, तो ये जो एरिया पहचान जाते हैं। और इन लोग भी लोकल हैं, ऐसे भी मतलब इन लोग इधर रह चुके हैं, इधर से गुजर चुके हैं, तो इन लोग का पता है। तो आइए भैया उधर थोड़ा है, उधर बात कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर, आ जाओ अब। ट्रेन देखो, ट्रेन आएगा, देखो देख आ ही रहे। चांदनी को गए थे आंगनबाड़ी लाने के लिए। ये देखिए चांदनी क्या कर रही है, बाल बना रही है चांदनी। आप लोग देखे होंगे हमारे बाल बनाती है। देखिए ये है भैया जी का घर, ये रहा, ये तो आप लोग बहुत को देखे ही होंगे वीडियो में, बहुत अच्छा है। और मिलके भी भैया से बहुत। तो देखिए यहाँ पे भैया जी है और अंदर भाभी भी है और इधर मीटू भी है, देखिए पीछे। हाँ,
चना खा रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ रहता है हमेशा। हमेशा यही रहता है? हाँ, इधर उधर टहलते रहता, बाहर भी निकलता है, अपने आ जाता है घूम करके। यहाँ देखिए चांदनी किधर चली गई, चांदनी देखिए यहाँ पे चांदनी बाग बनाने में है, बाग बनाने में लगी रहती है। देखो देखिए चांदनी अभी स्कूल से आई हुई है ना, इसलिए थोड़ा इसका फेस थोड़ा लग रहा है। आंगनबाड़ी गई थी, आंगनबाड़ी से पढ़ के आई हुई है। अच्छा चांदनी आती है, क्या पढ़ी आज आंगनबाड़ी में, क्या पढ़ी बताओ? पढ़ी है ना, आ जाइए। चलिए अंदर अभी चलते हम लोग। तो ये देखिए यहाँ इनका है रूम, ये तो आप लोगों को देखे ही होंगे जो रेगुलर वीडियो है, देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा भैया के बारे में पूरा डिटेल। ये देखिए भाभी भी है पीछे, नमस्ते भाभी भैया। ये देखिए चांदनी भी है इधर, आजा गोदी। देखिए इसका बाल बहुत अच्छा लगता है, प्यारा है ना। क्लिप में लगाएगी? लगाती है, लगा लेती है। हाँ क्लिप भी तो है उसके पास, क्लिप भी है देखिए इसका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये वही रूम है जहाँ पे विजय जी और रिया जी रहते हैं, और अभी अभी मतलब इसी में रहते हैं। उसमें अभी हम लोग दरवाजा खिड़की नहीं लगाए तो अभी इसी में रहना पड़ता है, क्योंकि वो फांका जगह पे घर जो बना है ना वो फांका है पूरा, वहाँ अगल बगल में उतने घर नहीं है, और अचानक जैसे कि खतरा हो सकता है रात अंधार, अगर अगर दरवाजा नहीं रहेंगे तो सब चीजों का डर लगता है। अधिकतर डर लगता है जंगली जानवरों का, खास करके हमारे इधर। और जैसा इधर भी तो जंगल एरिया है ही है, तो इसमें तो लगेगा ही। जब भालू उलू भी आते हैं, अभी भी भालू है हमारी जंगल। हाँ अभी भी है, हाथी भी आते हैं। हाथी तो कहिए ही मत, हाथी तो अक्सर एक दो दिन छोड़ छोड़ के आते हैं। यही तो कुछ दिन पहले देखे थे हाथी। हाँ, इधर हाथी बहुत आते हैं। ओ, तो चांदनी अच्छा से रहना, चांदनी हम लोग घर लेते जाए। हाँ ले जाएगी, तो बहुत शरारत करती है, बहुत आंगन में रखेंगे, पढ़ेगी, अंकल पढ़ाएंगे। हाँ ये टीचर है, ये टीचर है अंकल, पढ़ाएंगे। बहुत दिन से कोशिश था कि आपसे, वैसे भी तो आप जानते हैं ना रेगुलरली वीडियो हमको लगता है हम लोग दोनों देखते हैं, ये अपना फोन से देखते हैं, अपना फोन से देखते हैं। तीन से चार वीडियो जब डाले थे ना यूट्यूब में तब से ही आपको वीडियो देख रहे हैं जी, और उसी समय से रेगुलर। उसके बाद और रेगुलर कब हुआ, जब आपका वीडियो देखे सुनील गुड़िया इन लोग का इन्वॉल्व, जब वहाँ गए मिलने के लिए। हाँ वो देखिए हम लोग मतलब बहुत पहले वीडियो मतलब पहले से चल रहा था, तो रेगुलर हम लोग पहले अच्छी मित्रता देखा है सुनील भाई में। सुनील भाई मतलब सुनील भाई और मेरे कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे कहा होते नहीं कि जिस एग्जाम बस से हम वो है, जब मेरी कुछ होती तो सुनील भाई, जब सुनील भाई की कुछ होती तो हम खड़े होते हैं, मतलब हम लोग बहुत ही अच्छा मित्रता फ्रेंडशिप हो गया है। हाँ, हाँ, जब वहाँ गए ना तो उसी समय के बाद से पूरा रील्स आपका मतलब रेगुलर जैसा चलता था सुनील गुड़िया का ना, तो सेम मतलब आपका भी रील्स मतलब कंटिन्यू चलने लगा। हाँ उसके बाद रेगुलर वॉच करने लगा, इधर आप व्यू दिखाने लगे कहा कि तो हम यहाँ ऐसे भी रहे हैं इधर, तो और ज्यादा देखने में उसी तरह लगा कि हाँ उस लोकेशन पे हम तो बार बार आते जाते थे, तो हमारा इधर रुकते थे मतलब आते थे तो इस फाटक पे खासकर रुकना ही पड़ता था। हाँ, खास कर इस फाटक ट्रैफिक जगह है तो मतलब इसमें रुकना ही पड़ता था, रुक करके यहाँ मतलब इधर उधर टहलते थे, आसपास में भी टहले। हाँ फाटक गाड़ी खड़ा बहुत देर तक मतलब रहता था ना कि ट्रेन आता था रुक जाता था। हाँ। पहले हमको लगता है फाटक पहले ही बंद कर देता था, इतना लाइन लग जाता था ना साइड करके गाड़ी खड़ा कर देते थे, फिर टहलते भी थे आसपास में भी आगे पीछे भी पूरा। तो उस समय का लोकेशन भी याद में दिमाग में बैठ गया कि आप लोग का घर भी वहीं पे है, जिस तरह का लगा तो हम बोले कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। प्लस एक ये भी हुआ कि हम लोग भी जैसे यूट्यूब में आए तो कुछ मतलब हम लोग को जैसे जैसे लग रहा था ना कि कुछ हम लोग नहीं मतलब अभी इस के बारे में कुछ आगे कर पाएंगे, या फिर ऐसे हम लोग को सोचने में थोड़ा सा दूसरा टाइप में लगने लगा। लेकिन जब से सुनील गुड़िया को देखे उस समय तो थोड़ा सा मोटिवेशनल मिला था। हाँ। लेकिन जब से आप लोग को देखे और इसमें हम लोग को मतलब थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेशनल लगा। लोगों को हमेशा मतलब कि होना चाहिए मोटिवेट एक्चुअल, जैसे कि लोगों को हमेशा आगे क्यों सोचना चाहिए, कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्थिति को देखते हुए अगर हम भी अगर वही अगर रहते तो आज इस जगह पे हम भी नहीं रहते, जो भी हो मतलब लोगों का प्यार हमें मिल रहा। फिर वही हम सोचे कि आप लोग का सिचुएशन देख के जैसा जिस जगह पे रह के बना रहे हैं तो हमको लगा कि नहीं हम ही लोग के बैकग्राउंड पे उन लोग हैं, ताकि हम लोग रील्स में देखते हैं ना कि अगर हम लोग वीडियो जैसे बनाते हैं ना तो इनका भी वीडियो बहुत कोई वॉच करता है तो बोलता है देखो उन लोग थोड़ा सा वीडियो बना रहा है, मतलब रियलिटी मतलब गाँव में भी ऐसा फीलिंग के लिए देखिए वो एक्चुअली होता ना कि
ये जो जैसे आप चैनल देख रहे हैं ना, ये मेरा सेकंड चैनल है, इससे मेरा और एक फर्स्ट चैनल था, उसको भी हम एक महीना के अंदर में जो क्राइटेरिया होता है ना 4000 घंटा वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर वो हम पूरे करे थे एक महीने में। और जब हमारा टाइम मेरा मतलब और कुछ बाकी था, उसके बाद लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा मतलब अलग होने लगा, जैसे मेरी वीडियो वायरल जाने लगी ना तो हम पूरा डर गए पहले कि पता नहीं वायरल क्या होगा क्या होगा नहीं होगा। तो मेरा एक मतलब कि जान पहचान के थे, वो मेरे को फोन करे, बोले कि तुम वीडियो बनाते हो यूट्यूब में, हम बोले नहीं तो हम इतना डर गए और सारी वीडियो को हम प्राइवेट कर दिए। आज से मतलब 8-9 महीने साल भर पहले की बात कर रहा हूं, तो उस वीडियो को भी तो शेयर किए नहीं जानते उधर की थे, मतलब पहले से भी नॉलेज थी मतलब यूट्यूब की। और जैसे आप लोग भी अगर है और कोई भी अगर यूट्यूब में अगर आना चाहते हैं या तो यूट्यूब में है तो पहले नॉलेज भी लेनी बहुत ही थोड़ी जरूरत पड़ती है। पहले एक कहावत है ना, पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग, सेम चीज है, हर फील्ड में आपको सीखने पड़ेंगे थोड़ा मोड़ा, उसके बाद होता है। चलिए अच्छी बात है, तो वीडियो एंड कीजिए, तो अभी के लिए कुछ यहीं तक एंड करते हैं, फिर आगे फिर मिलते हैं आप तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। भैया लोग के ही व्लॉग भी आप लोग देखिएगा अच्छे वीडियो के साथ, हाँ मतलब इनको भैया भाभी को भी अच्छे से प्यार और सपोर्ट करिए, इनके भी व्लॉग्स अच्छे अच्छे आते हैं। चैनल का नाम है आरोही पटेल रियल ब्लॉग, आरोही पटेल रियल ब्लॉग्स, तो आप लोग दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, बाय बाय दोस्तों।